तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और शॉपिंग सेंटर और खासकर जो है जो प्लाजे हैं, मार्केट्स हैं, बड़े बाजार हैं, बड़ा रश लगा हुआ है। लोग जो है ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ जो है शॉपिंग सेंटर में मेरे साथ कुछ फैमिलीज खड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ कैसे आए हैं भाई? यहाँ शॉपिंग करने आए हुए। अच्छा, तो क्या क्या खरीदा आपने? तकरीबन 15,000 रुपए की शॉपिंग कर चुकी हूँ, और क्या करेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये जो ईद होती है, हैं, जो मर्द हजरात है वो ज्यादातर बच्चे उठा के घूम रहे होते, लेडीज जो है वो शॉपिंग कर रही है। असल में बहन की बेटी है ना, इसलिए घूमना पड़ता है। बहन की बेटी ना, इसलिए घूमना पड़ता है। क्या लेने आई हो? मेहंदी। मेहंदी लेने? अच्छा, मेहंदी मुझे दे दे, मेहंदी मुझे दे दे। मेहंदी थोड़ी देते हम। चूड़ियाँ ली है आपने? आपने चूड़ियाँ ली है? चूड़ी ली? चूड़ी? हाँ। नहीं नहीं, चूड़ी दिलाई ना? चूड़ी दिलाई ना? हाँ। क्या 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 लिया आपने? मेहंदी ली है, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ और क्या लेके दिया है आपने? क्या लिया भाई? चूड़ियाँ ली है। चूड़ियाँ? सिर्फ चूड़ियाँ ही? और मेहंदी? मेहंदी। अच्छा, आपने क्या लिया जी? कपड़े लिए? कपड़े लिए। कितने? एक सूट या दो? चार लिए। चार लिए। ज्यादा खर्चा करवा दिया इतना? हाँ। क्या समझती है ईद कैसी गुजरेगी? अच्छी गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। जैसे भी हालात जैसे भी हो, कराची के शहरी जो है वो ईद बड़े जोर शोर से मनाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपने क्या खरीदा बेटा, बताओ? चूड़ियाँ और कपड़े। आप बताइएगा जी, आप भी इसी शॉपिंग सेंटर में घूम रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ईद आ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दिन शुरू होता है तेरे नाम से, दिन शुरू होता है तेरे नाम से, और रात भी ढलती है दिन तेरे ही नाम से। सबसे पहले तो मैं दिन का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां पर आए हैं, और मैं इस तवस्सुत से ये बताना चाहता हूं कि सिटी सेंटर के अंदर ये एक बिल्कुल अनोखी बात रखी गई है कि यहां आप कुछ भी ख़रीदारी करें, इस ख़रीदारी के ऊपर आपको 1,000 रुपये चूड़ी मेहंदी फ्री मिल रही है, और चांद रात को कुरान दाजी के ज़रिए आपको कार भी फ्री मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, आप ईद अपनी कैसी मनाएंगे, ये बताएं? मैं अपने ईद अपने तमाम घर वालों के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ, और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआओं के साथ ईद मनाना चाहता हूं कि ताकि मेरा ये शहजादा सलीम अपनी शहजादी के साथ मनाएगा। मैं अपने अनारकली को ढूंढ रहा हूं और वो मुझे अभी तक मिली नहीं है। अभी अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि वो मेहंदी लगवाने के लिए गई है, तो मैं वहां पहुंचता हूं, मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। ईद उल फितर की